तुम लोग का जो पेपर लीक हो जाता है, इतना मेहनत से तुम लोग पढ़ते हो तो पेपर लीक हो जाता है, अगर दोबारा एग्जाम होगा तो तुम लोग पे कितना असर पड़ेगा? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। हम जानते हैं कि अगर मतलब दोबारा पेपर होगा तो उसमें दूसरा क्वेश्चन आएगा, और दूसरा क्वेश्चन आने के बाद फिर से हम लोग को पढ़ाई करना होगा। एक और बात है कि जितना लोग आए हैं ये तो शहर के नहीं है, दूर दूर से आए होंगे, दूर दूर से आए होंगे, पैसा लगता है आने में, पैसा लगता है रहने में, और पेपर कहीं ना कहीं खराब ही जा रहा होगा पढ़ाई के कारण। पेपर पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। आज का पेपर था ना, आज का पेपर जाते हैं बोलता है सब बिहारी है, बिहारी ये सबको नहीं आता है। एक कारण क्यों होता है, क्योंकि ये हम लोग का है ना जो इंग्लिश का प्रॉब्लम है, जो मतलब सब कोई बोलता है कि नहीं ये सब बिहारी है या कोई भी मतलब बाहरी इलाके में जाइए, जैसे दिल्ली में हो गया। अच्छा एक और बात बताओ, यहाँ भी बहुत सारा छात्र मौजूद है, तुम लोग के ऊपर इंग्लिश का मजाक क्यों बनता है? कोई भी आता है पूछता है और फिर मजाक बना के चल जाता है। देखो बोलने के लिए बेचैन था लेकिन अब नहीं बोलेगा, जब सही क्वेश्चन पूछेंगे तब नहीं बोलेगा, क्योंकि लोग बोलता है कि बिहार के बच्चों को इंग्लिश ही नहीं आता है, पर ये नहीं जानता कि बिहार के बच्चों को इंग्लिश आ जाता है पर पढ़ाया नहीं जाता है। और इंग्लिश में भी कोचिंग संस्था में इंग्लिश में भी ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। तुम लोग का इंग्लिश का नंबर नहीं जुटता है ना? कल हम लोग का इंग्लिश था, मैं इतना लिखा पर मैं वहाँ पे जाकर कॉपी जब मिलाया मतलब मेरा नंबर 60+ आता, पर वो नंबर हम लोग का नहीं आएगा, तो पर हम लोग एग्जाम देने से फायदा क्या इंग्लिश का? अच्छा, ये भी सवाल उठता है कि जब ये लोग पढ़ते हैं नंबर नहीं जुटता है तो मन भी नहीं लगता होगा इंग्लिश पढ़ने? नहीं 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 लगता है, पर लगेगा जब आप इंग्लिश का है ना, इंग्लिश अगर पढ़ाया जाएगा तब ना मन लगेगा, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा तब ना मन लगेगा, इंग्लिश पे कोई फोकस ही नहीं रहता तो मन कैसे लगेगा? इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए। क्या बोल रहे थे, इधर आओ, इधर इधर बोल रहे हैं। मैथ क्या है ना, मैथ के 8.5 में हमको पास क्वेश्चन चलाया था, इसीलिए मैथ अधिक मतलब तुमको डर है कि मैथ रद्द होगा, यही पूछना चाहता हूं। यस सर। अच्छा एक और बात बताओ, तो पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, सब बच्चे इधर आइए, सबसे एक क्वेश्चन करना है। तुम लोग का जो पेपर लीक हो जाता है, इतना मेहनत से तुम लोग पढ़ते हो तो पेपर लीक हो जाता है, अगर दोबारा एग्जाम होगा तो तुम लोग पे कितना असर पड़ेगा? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। हम जानते हैं कि अगर मतलब दोबारा पेपर होगा तो उसमें दूसरा क्वेश्चन आएगा, और दूसरा क्वेश्चन आने के बाद फिर से हम लोग को पढ़ाई करना होगा। एक और बात है कि जितना लोग आए हैं ये तो शहर के नहीं है, दूर दूर से आए होंगे, दूर दूर से आए होंगे, पैसा लगता है आने में, पैसा लगता है रहने में, ऐसे में अगर पेपर लीक होता है, दोबारा एग्जाम होता है तो बहुत परेशानी होगा, बहुत रूम पे आना पड़ता है। यहाँ पे अभी एक रूम पे एक बच्चा पे 1,000 रुपए ले रहा है, तो 5 बच्चे पे 5,000 रुपए ले रहा है, तो फिर एक दिन के लिए आना है तो बाई चांस तो हम लोग ऑटो से या ट्रेन से आ सकते हैं, पर जो दूर का है मतलब बहुत सारे दूर का है, बहुत परेशानी। जैसे और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग को बहुत असर पड़ता है, हम लोग का गार्जियन से कहना यही है कि डबल से एग्जाम नहीं होना, रद्द हो एग्जाम, एग्जाम को रद्द ना करें, और हम लोग अच्छे से कॉपी भी लिख के आए। शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है तुम लोग के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था अभी पूरा गंदी चल रही है, और हो सके गंदी चलेगी, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था अभी नहीं सुधरेगी, और सुधरेगी भी तो मतलब प्रधानमंत्री। एक बात होगा, कोरोना वोरोना था, पढ़ाई वढ़ाई हो पाया था? कोरोना के कारण, सबसे पहली बात तो ये हम बोलेंगे कि हम स्टूडेंट लोग को कोरोना है, और कोई भी संसद में या कोई भी पब्लिक प्लेस में कोरोना वायरस, नेता लोग के लिए कोरोना नहीं है, यही है कि हम लोग को स्टूडेंट लोग को बहुत ज्यादा कोरोना से असर पड़ा हुआ है, और इसके वजह से भी क्वेश्चन भी बहुत हार्ड था हम लोग भी। अच्छा कोरोना वोरोना था, सबको एवरेज मार्किंग दे देगा तो तुम लोग जो पढ़ा है एकदम हार्ड हार्ड रात भर जग के, उस सब पे भी असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा भैया, बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि जो पढ़ेगा उसका भी उतना ही नंबर लाएगा, अगर एवरेज मार्किंग दे देगा उसका भी उतना ही नंबर आएगा, तो पढ़ने से फायदा क्या होगा? और ये अभी यूपी में वो चल रहा है, क्या इलेक्शन चल रहा है, तो उसमें उतना कोरोना नहीं लग रहा है, पर जितना शिक्षा में लग रहा है, क्योंकि शिक्षा में हम लोग क्लास जब करने गए थे ना तो पुलिस आया तो हम लोग को स्वर को धमका मतलब धमकी दिया कि बोला आप क्यों खेले, मेरा स्वर का नाम भी लिख कर ले गया, और बोला कि इसके बाद से क्लास नहीं खुलना चाहिए, क्यों? क्योंकि उस समय लॉकडाउन था। अभी यूपी में क्यों इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पे भी तो कोरोना हो सकता है, दोहरी नीति खेला जा रहा है, नहीं बच्चों चलिए ऐसे में बच्चे इतने परेशान हैं, चूंकि लॉकडाउन कर दिया गया था, पढ़ाई भी नहीं हुआ था, और पेपर कहीं ना कहीं खराब ही जा रहा होगा पढ़ाई के कारण, पेपर पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। आज का पेपर था ना, आज का पेपर दोनों था, हाई लो दोनों था, पर हम लोग का इजी लगा, क्योंकि वो हम लोग पढ़ कर आए थे जी। चलिए
ऐसे में बच्चे को आपने जाना है कि किस प्रकार से इन्होंने एग्जाम दिया है, मैट्रिक के ये सभी छात्र हैं। कहीं ना कहीं तुम लोग तो ये भी नाराज हो गए कि पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगारे होना है। वो बिहार के मतलब 80% छात्र है जो बेरोजगार है। अभी NTPC का रिजल्ट अभी NTPC का रिजल्ट देखे थे, क्या हुआ, इतना बेरोजगार थे कुछ लोग मोतिहारी में जाम के। अच्छा बड़े लोग आपके घर के पीछे चलिए पीछे चलिए। मैट्रिक पढ़े, इंटर पढ़े, BA करोगे, नौकरी के लिए क्या करोगे बताओ? नौकरी के लिए हमें यही मतलब बाहर जाना होगा या कोई मतलब यही होगा कि हम अच्छा हो भी नहीं किया तो नौकरी कहाँ से अच्छा मिलेगा। नौकरी अगर ना कर पाएंगे, सरकार हम लोगों की कोई व्यवस्था नहीं दे रही है, तो हम लोग यही करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे। अब हम लोग अपना बिजनेस, सरकार पर बिजनेस का बात है, बिजनेस के लिए आपको तो उतना शक्ति भी सहन शक्ति चाहिए, क्योंकि उसके लिए बिजनेस के लिए 5 से 10 लाख कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जिम्मेदार तो सरकार ही है बेरोजगार बनाने में।